हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, इस बार कब है मकर संक्रांति? 14 या फिर 15 जनवरी को, शुभ मुहूर्त भी जाने। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्यौहार में से एक है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उड़द की दाल और चावल का दान किया जाता है, साथ ही तिल, चिड़वा, सोना, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि दान करने का भी महत्व है। दान के बाद बिना तेल वाला भोजन करना चाहिए और यथाशक्ति अन्य लोगों को भी भोजन देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पुत्रवान गृहस्थ को संक्रांति पर, कृष्ण एकादशी पर और चंद्र और सूर्य ग्रहण पर उपवास नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन तीर्थ स्थलों पर स्नान और दान का बड़ा ही महत्व है। इस दिन गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन अगर आप वहाँ जाने में असमर्थ है तो इस दिन घर पर ही सामान्य पानी से स्नान करना चाहिए और हो सके तो उस जल में थोड़ा सा पवित्र नदियों का जल मिलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है और उसे धन की कोई कमी नहीं होती है। कहा जाता है कि संक्रांति से एक दिन पूर्व यानी व्यक्ति को केवल एक बार मध्याह्न में भोजन करना चाहिए और संक्रांति के दिन दांतों को साफ करके जल में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए या स्नान से पहले तिल का तेल या तिल का उपटन लगाना चाहिए। संक्रांति के दिन दान दक्षिणा या धार्मिक कार्यों को 100 गुना फल मिलता है। तो दोस्तों, बात करें 14 या 15 कब मनाई जाएगी मकर संक्रांति। दोस्तों, तो 14 जनवरी को सूर्य की मकर संक्रांति है, यानी सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर 14 जनवरी की रात 8:44 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 13 फरवरी की सुबह 9:40 तक मकर राशि में गोचर करते रहेंगे। उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में 14 जनवरी 2023 को सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इस अवसर को देश भर में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाएगा। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही खरमास या धनुर्मास की समाप्त हो जाएगा, लिहाजा अब तक जो शादी ब्याह आदि शुभ कार्य पर रोक लगी थी वो हट जाएगी और फिर से शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। सूर्य के किसी भी संक्रांति के पुण्य काल के दौरान दान और स्नान का विशेष महत्व होता है और इस संक्रांति का पुण्य काल 15 जनवरी को दोपहर 12:44 तक संक्रांति काल रहेगा। ऐसे में मकर संक्रांति 15 जनवरी दोस्तों ऐसे में मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। तो दोस्तों मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त, पुण्यकाल सुबह 7:15:13 से 12:30 तक रहेगा। महापुण्यकाल सुबह 7:15:13 से 9:15:13 तक रहेगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दोस्तों मकर संक्रांति की पूजा विधि। मकर संक्रांति के दिन सूर्य निकलने से पहले स्नान करें। स्नान के बाद एक कलश में लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। इस दौरान सूर्य के बीज मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। जी हाँ दोस्तों, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन श्रीमद् भागवत गीता या फिर गीता का पाठ करें। मकर संक्रांति के दिन तिल, अन्न, कंबल के अलावा घी का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन खाने में खिचड़ी जरूर बनाए और भगवान को भी भोग लगाए। दोस्तों, इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को बर्तन के अलावा तिल का दान करेंगे तो शनि से जुड़ी हर तकलीफ से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र भगवान शनि के पास जाते हैं। उस वक्त भगवान शनि मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। भगवान शनि मकर राशि के देवता है, इसी कारण इस दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस खास दिन पर अगर कोई पिता अपने बेटे से मिलने जाता है तो उसके सारे दुख और तकलीफ दूर हो जाते हैं। मकर संक्रांति से जुड़ी और एक पौराणिक कथा है जिसका वर्णन महाभारत में मिला था। दोस्तों, मकर संक्रांति से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। ये कथा भीष्म पिता से जुड़ी हुई है। भीष्म पिता को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। जब युद्ध में उन्हें बाण लग जाता है और वो शैया पर लेटे हुए थे तो वे प्राण को त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने में
दोस्तों सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे। ऐसी मान्यता है कि उत्तरायण में प्राण त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस तरह मकर संक्रांति का पर्व होता है और ये पौराणिक कथा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जय श्री सूर्याय नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।